गाइस कैसे हो सारे सारे ओपिन है। तो फिर से आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ आप सभी के बीच में। स्वागत है गाइस आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और ये हमारे साथ जावेद और बराबर अभी आ रखे हम छत में। और बैकग्राउंड देख सकते हो गाइस आप, बहुत ही तगड़ा है और हल्की हल्की धूप है अभी। कल रात को बहुत ज़्यादा भूकंप आया था। और बता बता गाइस लोगों को। हाँ भाई, रात में बहुत भूकंप आया था, बहुत जोरों से। हम लोग डर के मारे सब चले गए बाहर। और गैस हमका क्या नहीं हुआ इसके बारे में। उस समय हम गैस खाना खा रहे थे और हाँ, पूरी बिल्डिंग ऐसी हिल रही थी। मैंने सोचा क्या हो रहा है यार, मैंने सोचा अचानक से कैसे हो रहा। और उसके बाद भाई साहब जब पूरा एक झटका पड़ा ना, तो मैं सीधा वहाँ से भाग गया। पूरा स्टाफ हम नीचे निकल गए और बहुत ही खतरनाक भूकंप है गैस। मैंने अपने लाइफ में पहली बार रियलाइज किया कि हाँ भूकंप इस तरीके से होता है। गैस सामने का व्यू देख तो बहुत ही तगड़ा है। इसके ऊपर भी गैस एक रेस्टोरेंट खुलने वाला है और जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे खुलेगा काउंटर। और ये सामने यहाँ पे हुट और मचा रहे हैं, यहाँ टेबल वगैरह लगेगा। उस व्यू देख सकते हो गैस आप, बहुत ही बेहतरीन है। हल्के हल्के बादल हैं गैस और यहाँ पे मतलब हवा भी अच्छी खासी आ रही है। देख सकते हैं मार्क है आज जो फ्लोर में होटल के। और आपको थोड़ा जादू बताता हूँ और आ जाए मेरे साथ है। गाइस जगह पे खुलने वाला एक नया सा रेस्टोरेंट और ये बहुत ही अच्छी है। टॉप फ्लोर पे ये जगह है। और अभी आ जाइए भाई। और गाइस ये रखा है चिड़ियों के लिए पानी। और अगर आप भी अपने घर में गर्मियों के टाइम में चिड़ियों के लिए इस तरीके से पानी रखते हो तो बहुत ही आपके लिए वो सुकून देगा, क्योंकि पानी पिलाना एक धर्म होता है। और यहाँ पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हो आप, खेतों का नज़ारा आप देख सकते हो, बहुत ही कूल है। और ये गेहूँ आजकल देख सकते हो नीचे गिर चुके हैं क्योंकि आंवले यहाँ पे बहुत तेज़ी से गिरे हैं कुछ दिनों पहले। और सामने का व्यू देख सकते हो बिल्डिंग का, बहुत ही कूल है। और तुम्हारा भाई यहाँ में खड़ा है आज थोड़ा धूप के मज़े लिए। मैंने कहा क्यों ना आज छत में जाया जाए। और थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ छत पे आया हूँ, मैंने कहा ऊपर की लोकेशन भी देखना ज़रूरी है। और गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पे मचान बन रहे हैं, तीन चार मचान यहाँ पे, एक दो उस साइड है। और यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे टेबल वगैरह लगाया जाएगा, अभी इसमें काम चालू है। पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें फ्लोर तक यहाँ पे मतलब कैफे रेस्टोरेंट होटल ही है। और नज़ारा बहुत ही कूल रहेगा यहाँ ऊपर, इसमें शायद बाहर रह सकता है, यहाँ पे बाहर के लिए बनाया गया है। तो गाइस अभी थोड़ा कस्टमर थोड़ा कम थे यार, हमने सोचा यार क्यों ना थोड़ा टॉप फ्लोर का टूर किया जाए और यहाँ पे थोड़ा सा धूप का आनंद ले। और ये हमारे साथ संजू से थोड़ा दो चार बातें बोले। धन्यवाद। इनके तो गाइस कैमरे के सामने ही आते फट जाती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कैमरे से, क्या दुश्मनी इनकी। पर गाइस आज जो मैं आपको बोलने वाला हूँ ना, आज धूप में बहुत ही मजा आ रहा, क्योंकि कल भूकंप भी आया और बारिश भी यहाँ पे बहुत ही तेजी से हुई। और बहुत दिनों के बाद गाइस यहाँ पे नेट भी चल रहा है यार, उसके लिए बहुत खुशी हो रही। और आपने सोचा यार नंदन सेब कहाँ गायब हो गए, हम गायब नहीं है गाइस। यहाँ पे नेट की बहुत वो चल रही थी, कंडीशन बहुत खराब थी, यहाँ पे नेट नहीं चल रहा था गाइस दो तीन दिन से, इसीलिए मैं आपके लिए ब्लॉग भी नहीं ला पा रहा था। और आज के बाद आपको मतलब एक से एक ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे इस यूट्यूब चैनल में। बस आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, फॉलो करना है गाइस। हम 1000 फैमिली के बहुत ही करीब है और आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना है। तो अभी लेके चलते हैं आपको नीचे फटाक से और बताते हैं आपको नीचे के नज़ारे। देख सकते हो अभी अभी जा रहे नीचे और ये लोग मेरे को जाने नहीं दे रहे। ये देख सकते हो गाइस अभी जा रहे नीचे। और गाइस पांचवें फ्लोर पे देख सकते हो ये वाली, यहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट या कैफे खुलेगा, यहाँ का लुक देख सकते हो। अभी यहाँ पे काम चालू है, बस हमारा जो किचन है वही रेडी हुआ है अभी। ध्यान से देखे गाइस इस आदमी को, यहाँ पे सो रहा था और देख सकते हो मजा ले रहे धूप के। गाइस ये हमारा नोटी बॉय है। और गाइस ये रहा किचन। क्या बना रहे चाचा? ये हो रही गाइस खाने की तैयारी।
ये राइस का पानी है गाइस। तो गाइस अभी जा रहे हैं रूम देखने, 5,000 का एक पर डे, अभी देखते हैं। ठीक है चलो। गाइस ये रहा अंदर का एरिया, अब यहाँ पे सेटअप हो चुका है, ओपनिंग हो चुकी है और ये देख सकते हो। और गाइस ये रहा बाहर का एरिया, शानदार है। बाकी जो मतलब रूम देखा है ना अभी दूसरे रूम जो सेटिंग कर रहे, इतना दूर है ना रूम, बारिश का चलते हैं रूम पे, छुट्टी हो चुकी है और दिखाते हैं भी आपको आगे के नज़ारे। और ये रहा यहाँ का रूम, आज रूम चेंज कर दिया दूसरा। गाइस अपना पर्सनल रूम नहीं मिल जाता तब तक हम होटल में रुके हैं, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।